especially my dear and loving students. I hope you're fit and fine at your home with your loving one. So welcome to online classes, and this is Rukhsar ma'am. So today I'm here with the chapter number 9 of standard 6, that is the earth, our habitat. So dear student, today we are going to study chapter number 9, which is from geography portion of your social science subject. Okay dear student, as the topic gives you a clear insight into the chapter, that what we are going to study today. This chapter is totally about earth. What is earth, where it is located, between which planet it is located, what is constellation, what is meteors. Totally we are going to study in this chapter about earth, which is our habitat, natural home. Our habitat yani jo hamara natural home hai. Okay, so as always I suggest you, if you haven't read the chapter before my explanation, then you must read the chapter once. Okay, so I'm going to explain you line by line. So let's start the chapter without wasting time. Okay, wherever we live, that place is our village and home. Jahan bhi hum rehte hain, jo jagah hai hamara village hai ya home hai. All this is on top of what? Such question arises in all of our mind. ठीक है, जहाँ भी हम रहते हैं हमारे विलेज में, हमारे घर में, ठीक है, ये सारी चीज़ें किस चीज़ के टॉप पर है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपके और मेरे हम सब के माइंड में होता है कभी कभी, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें, हमारा विलेज, हमारा होम किस चीज़ के टॉप पर है, ठीक है. सो द आंसर इज़ वेरी सिंपल, आंसर इज़ वेरी सिंपल, दैट माई होम एंड माई विलेज इज़ ऑन द अर्थ. सो आंसर क्या है, जो मेरा होम है, मेरा विलेज है, वो कहाँ है, अर्थ पे, ऑन द टॉप ऑफ अर्थ. दस अर्थ इज कॉल्ड अवर ह्यूज होम, तो फिर हम अर्थ को हमारा ह्यूज होम कह सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं, वी कैन कॉल अर्थ अवर ह्यूज होम, बहुत बड़ा घर, ठीक है, विच इज़ वेरी ह्यूज, इज़न्ट इट, जो बहुत ही बड़ा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लार्ज है, ठीक है, इज़न्ट इट, क्या सच में बिग है, लेट्स सी. सो लेट्स नो अबाउट अवर ह्यूज विलेज, तो ठीक है, हम देखते हैं हमारे ह्यूज विलेज के बारे में थोड़ा और डीप में. यू ऑल्सो वॉन्ट टू नो दिस विच इज़ नेचुरल, और आपको भी ये क्यूरियोसिटी होगी, आप जानना चाहोगे आपके ह्यूज विलेज के बारे में, ह्यूज अर्थ के बारे में, ठीक है, विच इज़ नेचुरल, नेचुरल फिनोमिना है, कि आपको क्यूरियोसिटी होती होगी, जानने की जिज्ञासा होती होगी, आपको ऐसा होता होगा किस चीज़ के टॉप पर हमारा विलेज या होम है, और ये वाकई इतना ह्यूज है या नहीं है, ठीक है. यू नो दैट अवर अर्थ इज़ ए मेम्बर ऑफ सोलर फैमिली, क्या आप जानते हैं हमारा जो अर्थ है वो सोलर फैमिली का एक मेम्बर है, ठीक है. एज वी हैव फैमिली, जैसे हमारी फैमिली होती है, अवर सन ऑल्सो हैव अ फैमिली, ठीक है, विच वी कॉल सोलर फैमिली, जिसे हम सोलर फैमिली के नाम से जानते हैं, ठीक है. सो अवर अर्थ इज़ वन ऑफ द मेम्बर ऑफ सोलर फैमिली, और जो हमारा अर्थ है जिस पर हम रह रहे हैं, विच इज़ होम टू यू एंड मी, जो आपका और मेरा घर है, वो क्या है, मेम्बर, एक सदस्य है सोलर फैमिली का, ठीक है. अगेन, वॉट इज दिस सोलर फैमिली, नाउ आपको क्वेश्चन हो रहा होगा, व्हाट इज दिस सोलर फैमिली, सोलर फैमिली क्या है. एज आई सेड, एज वी ऑल हैव फैमिली, जैसे हमारी फैमिली है, वैसे सन की भी एक फैमिली है, दैट इज सोलर फैमिली, उसमें अलग अलग मेंबर्स है, एंड आवर अर्थ इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ दैट सोलर फैमिली, ठीक है. सो आपको एक क्वेश्चन हो रहा होगा, सो लेट मी गिव यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सोलर सिस्टम, तो मैं आपको डीप में इंफॉर्मेशन बताती हूँ, ठीक है, वी विल सी इन डिटेल अबाउट द information about the solar system. Okay dear student, so let's see what is solar system. Our sun is self illuminated star of Mandakini galaxy Milky Way. So our sun is a self illuminated, यानी क्या है हमारा sun, क्या है, self illuminated star है, एक self illuminated star है, कौन सी गैलेक्सी का, मंदाकिनी गैलेक्सी का, जिसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट मिल्की वे ऑल्सो. ओके, सो हमारा सन एक स्टार है जो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, यानी बहुत ज़्यादा शाइन करता है, ठीक है, कौन सी गैलेक्सी में है, मंदाकिनी गैलेक्सी में. डू यू नो डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूनिवर्स में 100 बिलियन गैलेक्सीज है, ठीक है, और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कौन सी गैलेक्सी में है,
मंदाकिनी गैलेक्सी विच वी कॉल मिल्की वे. ओके डियर स्टूडेंट, रिमेंबर दिस, इन अवर यूनिवर्स देर आर 100 बिलियन गैलेक्सीज आर अवेलेबल, बट अवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन विच गैलेक्सी, दैट इज मंदाकिनी गैलेक्सी विच वी कॉल मिल्की वे ऑल्सो. ओके, सो सन क्या है? एक सेल्फ इल्यूमिनेटेड स्टार है, जो मतलब बहुत ज़्यादा शाइन करता रहता है. ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय मैनी स्मॉल एंड बिग स्टार्स. और ये सन जो स्टार है वो क्या है, बहुत ज़्यादा बड़े और छोटे मोटे स्टार्स से सराउंडेड, आसपास से घिरा हुआ है. ठीक है, अर्थ इज वन सच बोल. और अर्थ क्या है, एक ऐसी बोल है. ऑल दीज आर रिकॉग्नाइज एज ए प्लैनेट्स. अर्थ भी उसी में से एक बॉल है, जिसको इन सारी बॉल्स को हम क्या रिकॉग्नाइज करते हैं, एज ए प्लैनेट्स. ठीक है, सन के सराउंडेड बहुत सारी बॉल्स है, उन्हीं में से अर्थ एक बॉल है, और इन सारी बॉल्स को हम क्या कहकर रिकॉग्नाइज करते हैं, वी रिकॉग्नाइज देम एज अ प्लैनेट्स, वी कॉल देम प्लैनेट्स. ओके, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द प्लैनेट, ऑल दिस प्लैनेट्स रोटेट अराउंड द सन इन सर्क्यूलर फॉर्म. ओके, सो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेज ऑफ प्लैनेट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्व आकर्षण जिसे कहते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है चीज़ों को अपनी तरफ. ये फोर्स जो होता है, इट इज़ गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन. ओके, हम इसे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे. फॉर यू इट इज़ मैंडेटरी कि आप ये जानो, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी एक गुरुत्व आकर्षण का लॉ होता है, विच इज़ गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन. और इस फोर्स में क्या होता है, ये क्या होता है, अपनी तरफ चीज़ों को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मतलब हर जगह ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग होता है. ठीक है, कहीं पर जो थिंग्स होता है उसका वेट बढ़ जाता है, तो कभी थिंग्स का वेट लाइट हो जाता है. ठीक है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स एज पर द प्लेसेस दे आर डिफरेंट. ओके, सो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्सेज ऑफ द सन, सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द प्लैनेट्स, ऑल दिस प्लैनेट्स, ये सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, रोटेट कर रहे हैं, अपनी जो प्लेस है वहाँ पर रोटेट कर रहे हैं अराउंड द सन इन अ सर्क्यूलर फॉर्म. सन के आसपास सर्क्यूलर फॉर्म में क्या कर रहे हैं, ये सब प्लैनेट्स रोटेट कर रहे हैं. ठीक है, दिस प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन. और ये जो प्लैनेट्स है, इनके पास अपनी खुद की लाइट्स नहीं है. ठीक है, दे आर इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट ऑफ द सन. और ये सारे प्लैनेट्स इल्यूमिनेटेड यानी शाइन हो रहे हैं, किसकी लाइट से, सन की जो लाइट है उस लाइट की वजह से ये सारे प्लैनेट्स इल्यूमिनेटेड यानी शाइन हो रहे हैं. ठीक है, दिस प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड फॉर्म्स. और ये जो प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम के सारे साइज में सिमिलर नहीं है, दे आर डिफरेंट इन साइजेस एंड फॉर्म्स, उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट है. ऑल दिस प्लैनेट्स टुगेदर मेक सोलर फैमिली और सोलर सिस्टम. और ये सारे प्लैनेट्स कंबाइन होके यानी साथ में टुगेदर क्या बना रहे हैं, सोलर फैमिली क्रिएट कर रहे हैं या फिर सोलर सिस्टम. ठीक है, कंबाइन में हम इस सारे प्लैनेट्स को क्या कह सकते हैं, सोलर फैमिली, अदरवाइज सोलर सिस्टम. ओके डियर स्टूडेंट, सो द नेक्स्ट, दस प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, स्मॉल प्लैनेट्स, कॉमेट्स एंड मीटियर्स आर इंक्लूडेड इन अवर सोलर सिस्टम. ठीक है, सो दिस मच प्लैनेट्स आर अवेलेबल इन अवर सोलर सिस्टम, 8 प्लैनेट्स आर अवेलेबल इन अवर सोलर सिस्टम. और इन प्लैनेट्स के अलावा हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती है, सैटेलाइट्स, स्मॉल प्लैनेट्स भी होते हैं, कॉमेट्स भी होती है, और मीटियर्स भी होती है. ठीक है, सो सैटेलाइट्स यानी उपग्रह, किसी प्लैनेट का उपग्रह या फिर एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज सेट बाय ह्यूमन बीइंग्स टू नो द इंफॉर्मेशन अबाउट द सोलर सिस्टम. ओके डियर स्टूडेंट, स्मॉल प्लैनेट्स, अमंग द प्लैनेट्स मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट. ओके, कॉमेट्स, बॉल ऑफ आइस. ओके, कॉमेट्स यानी एक बॉल ऑफ आइस होती है. ठीक है, एंड मीटियर, अ स्मॉल पीस ऑफ रॉक. मीटियर्स यानी क्या होता है, स्मॉल पीस ऑफ अ रॉक, पत्थर का एक टुकड़ा होता है. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें किस में होती है, इन अवर सोलर सिस्टम. ओके डियर स्टूडेंट,
So let's get acquainted with this solar system. So let's get acquainted with our solar system. ठीक है, so हम इसके बारे में कुछ और डिटेल में इंफॉर्मेशन देखेंगे. वी विल अंडरस्टैंड अवर सोलर सिस्टम इन सम मोर डिटेल एक्सप्लेनेशन. ओके डियर स्टूडेंट, एट फर्स्ट लेट्स नो द सन एज द की मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम. सबसे पहले हम सन के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज द सन इज द की मेंबर ऑफ अवर सोलर सिस्टम. सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है हमारे सोलर सिस्टम का. ओके डियर स्टूडेंट, सो लेट्स सी सन. वी आर फैमिलियर विद द सन. हम सभी फैमिलियर है सन के साथ. एवरीबडी नोज व्हाट इज सन. ठीक है, सबको पता है सन क्या है और सन कहाँ है. ठीक है, और सन का काम क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ सन. वी ऑल आर फैमिलियर विद द सन. हम सब सन को जानते हैं. आवर डेली वर्क बिगिंस विद द सनराइज. हमारा जो डेली का जो वर्क होता है, जो भी रूटीन का वर्क काम होता है, वो हमारा सनराइज के साथ शुरू होता है. ठीक है, जैसे ही सनराइज होता है हम हमारा डेली रूटीन वर्क करना स्टार्ट करते हैं. ओके डियर स्टूडेंट, सन इज द होनर्ड स्टार. और सन एक ऐसा स्टार है जिसको होनर्ड किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, क्योंकि इन हिंदू रिलीजन पीपल वर्शिप सन एज ए लॉर्ड सन. ओके, सूर्य पूजन किया जाता है. ठीक है, सूर्य नमस्कार किया जाता है. ठीक है, सो द सन इज अ स्टार विच इज होनर्ड, यानी उसे बहुत सम्मानित किया जाता है. ठीक है, एक ऐसा स्टार है. इट इज कंसिडर्ड एज द गिवर ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ. और उसे कैसा माना जाता है, इट इज कंसिडर्ड एज द गिवर ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ. उसे ऐसा माना जाता है कि जो अर्थ पर लाइफ है उससे किसने प्रोवाइड किया है, सन ने प्रोवाइड किया है. ठीक है, सन इज कंसिडर्ड एज ए गिवर ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ. अर्थ पे लाइफ किसने प्रोवाइड की गई की है, सन ने, ये माना जाता है. ठीक है, द सन इज अबाउट 13 million टाइम्स लार्जर देन अर्थ. नाउ जो हमारी अर्थ की साइज है उससे 13 million टाइम्स लार्जर है सन. ठीक है, यू कैन प्रिडिक्ट. अब 13 million लार्जर कह रहा है तो सन की जो साइज है वो काफ़ी लार्ज है एज कंपेरिजन टू अर्थ. ठीक है, कितनी लार्ज है अर्थ से सन की साइज, 13 million टाइम्स. ओके डियर स्टूडेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, इफ यू वॉन्ट टू मेक अ रेवोल्यूशन अराउंड द सन, यू सिट इन अ प्लेन रनिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 1000 kilometers. इट विल टेक 107 years टू कंप्लीट द रेवोल्यूशन. OMG. So look at here student, if you want to make a revolution, dear student, do you know what is revolution? Revolution means अगर आप sun के around, यानी sun के around क्या करते हो, एक circle complete करते हो, उसे revolution कहा जाता है. ठीक है, sun के round मतलब sun के आस पास पूरा एक round complete करते हो, उस चीज को revolution कहते हैं. तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इफ यू वॉन्ट टू मेक अ रेवोल्यूशन अराउंड द सन, अगर आपको एक रेवोल्यूशन करना है सन के अराउंड, ठीक है, सर्कल पूरा करना है सन के आसपास, यू सिट इन अ प्लेन रनिंग एट द वेलोसिटी ऑफ 1000 kilometers. तो उसके लिए आप एक प्लेन में बैठते हो जिसकी वेलोसिटी यानी जिसकी स्पीड कितनी है, 1000 kilometers है. ठीक है, इट विल टेक, एक प्लेन है जिसमें आप बैठे हो, 1000 kilometers की वेलोसिटी यानी उसकी इतनी स्पीड है, फिर भी वो रेवोल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, इट विल टेक 107 years टू कंप्लीट द रेवोल्यूशन. वो प्लेन जो 1000 kilometers की वेलोसिटी पे चल रहा है, ठीक है, हाईएस्ट स्पीड, ठीक है, फिर भी जो एक रेवोल्यूशन है कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट हो रहा है, 107 years में कंप्लीट हो रहा है. सो यू कैन थिंक हाउ लार्ज इज द सन, कितना लार्ज है. ठीक है, और कितना बिग है. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन इज 28 times मोर देन दैट ऑफ अर्थ. ओके, सो एज आई सेड टू यू व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने आपको कहा, एज पर द डिफरेंट प्लेसेस देर आर डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह अलग होता है. ठीक है, सो यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन इज 28 times मोर देन दैट ऑफ अर्थ. अर्थ पे जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे 28 times ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स किसके पास है, सन पर है. ठीक है, 28 times मोर ग्रेविटेशनल फोर्स
ऑन द सन एज कंपेयर टू द अर्थ, जितना अर्थ पे है उससे 28 टाइम्स ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पर है, सन पर है. ठीक है डियर स्टूडेंट, क्लियर. हैंस द वेट ऑफ सब्सटेंस ऑन द अर्थ इज 1 kg ऑन द अर्थ. ठीक है, सो लेट सी, देखो 28 टाइम्स ज्यादा है अर्थ के कंपेरिजन में सन का ग्रेविटेशनल फोर्स. सो द हैंड्स, जिस चीज का वेट 1 kg है अर्थ पर, ठीक है, तो इट विल वेट 28 kg ऑन द सर्फेस ऑफ द सन. जिस चीज का जो भी सब्सटेंस है उसका वेट 1 kg है अगर अर्थ के ऊपर, तो वही सब्सटेंस का वेट अगर आप सन पे जाएंगे तो 28 kg हो जाएगा, मतलब 28 टाइम्स मोर हो जाएगा. ओके, नाउ आई होप डियर स्टूडेंट यू आर क्लियर अबाउट दिस ग्रेविटेशनल फोर्स. द अर्थ इज अबाउट 15 kilometers अवे फ्रॉम द सन. नाउ हमारा जो अर्थ है विच इज होम टू यू एंड मी, विच इज 15 kilometers अवे फ्रॉम द सन. सन से कितनी दूरी पर है, 15 kilometers अवे है. ठीक है, इट टेक्स अबाउट 8:15 फॉर सनलाइट टू रीच द सर्फेस ऑफ द अर्थ. अभी जो सन की सनलाइट होती है वो अर्थ पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लेती है, 8:15 कितना टाइम लेती है, यानी कि 8:15 लेती है कहाँ पर पहुंचने के लिए, ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. ओके डियर स्टूडेंट्स, द सर्फेस ऑफ द सन इज ऑलवेज अनस्टेबल. सो द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज ऑलवेज अनस्टेबल, यानी अस्थिर है. ठीक है, इट इंक्लूड सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग इग्नाइटिंग फायर फ्लेयर्स. ओके, सो द सर्फेस ऑफ अर्थ इज ऑलवेज अनस्टेबल, यानी वो अनस्टेबल है. इट इंक्लूड सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग, और उसके पास क्या है, कुछ किलोमीटर्स तक क्या है, लॉन्ग इग्नाइटिंग फायर फ्लेम्स है, यानी जो आँख की लपटें निकलती है ना, दैट इज. ओके, द सन्स कोर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी जो सन का जो कोर है, इंटीरियर जो मिडल सेंटर है, ठीक है, हार्ड लेयर, वो किस चीज से बना हुआ है, हाइड्रोजन गैस से बना हुआ, विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन गैस. इट प्रोड्यूसेस लाइट एंड हीट फ्रॉम द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इन द एयर, विच वी कॉल एनर्जी. ओके, सो वो क्या कर रहा है, इट प्रोड्यूस लाइट एंड हीट फ्रॉम द एक्शन ऑफ द हाइड्रोजन एंड हीलियम इन द एयर. ठीक है, वो क्या कर रहा है, लाइट और हीट प्रोड्यूस कर रहा है, कौन से एक्शन से, एक्शन ऑफ हाइड्रोजन, जो एक्शन हो रहा है हाइड्रोजन और हीलियम का एयर में जो एक्शन हो रहा है उसकी मदद से वो हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, विच वी कॉल एनर्जी, जिस चीज को हम क्या बोलते हैं, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो रहा है उस चीज को हम एनर्जी बोलते हैं. ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ द सन्स एनर्जी दैट द ऑर्गेनिजम्स हैव डेवलप्ड ऑन द अर्थ. और ये सिर्फ और सिर्फ जो सन है उसकी एनर्जी की वजह से पॉसिबल हुआ है कि ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है जो अर्थ पर डेवलप हुए हैं, ठीक है, फिर वो चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म हो. ओके डियर स्टूडेंट, दस द सन इज ऑल्सो नोन एज द गार्डियन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इसलिए हम सन को गार्डियन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं. ठीक है, गार्डियन यानी प्रोटेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज सन की जो एनर्जी है उसी की वजह से ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए हैं अर्थ के ऊपर. ठीक है, नाउ लेट अस ब्रीफली इंट्रोड्यूस प्लैनेट्स, देर आर टोटल 8 प्लैनेट्स इन द सोलर फैमिली. सो नाउ लेट अस इंट्रोड्यूस, क्या बोल रहा है, अभी हम डिटेल में क्या करेंगे, वी विल इंट्रोड्यूस प्लैनेट्स ऑफ अवर सोलर सिस्टम. देयर आर 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम, अमंग विच मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स आर इनर प्लैनेट्स. उनमें से मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये सब इनर प्लैनेट्स है, व्हाइल द जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर द आउटर प्लैनेट्स टू द सन. ओके, मतलब ये जो दूसरे प्लैनेट्स है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, आर ये आउटर प्लैनेट्स, ये सब आउटर प्लैनेट्स है. ठीक है, सन से फार अवे है. ठीक है, द प्लैनेट्स ऑफ मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न कैन बी सीन विद द नेकेड आईज. ओके, सो ये प्लैनेट्स के नाम जो मैंने अभी आपको बोले, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न, ये सारे प्लैनेट्स को हम नेकेड आईज के थ्रू देख सकते हैं, जिसमें हमें उन्हें देखने के लिए बाइनोक्यूलर्स की जरूरत नहीं पड़ती. वी कैन सी दिस प्लैनेट विद द नेक आईज.
ओके, हम हमारी जो रियलाइज है उससे भी देख सकते हैं, ठीक है, वी कैन सी दिस प्लैनेट्स. सो नाउ डियर स्टूडेंट टर्न द पेज एंड लेट्स सी द प्लैनेट्स वन बाय वन. फर्स्ट मर्क्यूरी इज गिवन टू यू ऑन द पेज नंबर 48. लेट्स सी दिस प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन. ये जो प्लैनेट है मर्क्यूरी वो सबसे क्लोजेस्ट है, सबसे ज्यादा क्लोज है सन के, ठीक है. इट इज येलोइश इन कलर, उसका कलर येलोइश है. मर्क्यूरी डजंट हैव एटमोस्फियर और सैटेलाइट. मर्क्यूरी के पास एटमोस्फियर भी नहीं है ना सैटेलाइट है, ओके. फ्रॉम द अर्थ वी सी मर्क्यूरी इन द स्काई फॉर सम टाइम बिफोर सन राइज एंड आफ्टर सनसेट, ओके. फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से हम इस प्लैनेट को देख सकते हैं स्काई में, ठीक है. फॉर सम टाइम्स, कुछ ही समय के लिए, जब सनराइज होता है और सनसेट होता है उस टाइम पर थोड़ी देर के लिए हम अर्थ प्लैनेट से मर्क्यूरी को देख सकते हैं. वी कैन सी द मर्क्यूरी, ओके डियर स्टूडेंट. नेक्स्ट वीनस. वीनस इट इज मोस्ट डेजलिंग प्लैनेट इन द सोलर फैमिली, ओके. विच प्लैनेट इज द मोस्ट डेजलिंग प्लैनेट इन द सोलर फैमिली, दैट इज वीनस. सबसे ज्यादा ब्राइट चमकने वाला, डेजलिंग यानी ब्राइट और बहुत ज्यादा चमकीली चीज, ठीक है. सबसे ज्यादा बहुत चमकने वाला प्लैनेट कौन सा है सोलर फैमिली में, दैट इज वीनस. इन साइज एंड वेट इट इज लाइक अर्थ. अगर उसका साइज और वेट में अगर हम कंपैरिजन करेंगे वो बिल्कुल सिमिलर है अर्थ की तरह, ठीक है, साइज और वेट में. लाइक ट्विन ब्रदर ऑफ द अर्थ, हम ऐसा कह सकते हैं कि वीनस अर्थ का ट्विन ब्रदर है इन कंपैरिजन ऑफ साइज एंड वेट, ओके. इट रिजेंबल द मून इन शाइन, ओके. वो किसकी तरह दिखता है शाइनिंग, अगर हम शाइन की बात करें यानी उसकी जो चमक की बात करें तो वो एग्जैक्टली लुक लाइक ए मून, मून की तरह दिखता है, मून की तरह शाइन करता है, ठीक है. इट डज नॉट हैव अ सैटेलाइट, उसके पास सैटेलाइट नहीं है, ठीक है. ड्यू टू थिक कवर ऑफ गैसेज एंड क्लाउड्स अराउंड इट, ठीक है. वीनस के अराउंड यानी वीनस के आसपास थिक कवर है, यानी किस चीज का कवर है, गैसेस और क्लाउड्स का कवर होने की वजह से लेस नॉलेज इज देयर अबाउट इट. हमारे जो रिसर्च डिपार्टमेंट है उन सब के पास और हमारे पास इस प्लैनेट के रिगार्डिंग लेस यानी बहुत ज़्यादा डिटेल में नॉलेज नहीं है. वी हैव लेस नॉलेज अबाउट दिस प्लैनेट बिकॉज उसका जो लेयर है गैसेस का और क्लाउड्स का, क्या उसकी वजह से हमारे पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस प्लैनेट के बारे में. नाउ द थर्ड कम्स अर्थ विच इज होम टू यू एंड मी. सो लेट्स सी व्हाट इज अर्थ. अर्थ इज लोकेटेड बिटवीन वीनस एंड मार्स. अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जो कौन से दो प्लैनेट के बीच में लोकेट हो रहा है, वीनस एंड मार्स के बीच में लोकेट हो रहा है. अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन अराउंड द सन ऑन इट्स एक्सिस इन 24 hours, ओके. एज आई अर्ली टोल्ड यू व्हाट इज रोटेशन, जब कोई प्लैनेट एक ही जगह पे खड़ा होकर राउंड एंड राउंड सर्कल करता है उसकी इमेजिनरी एक्सिस पर, दैट वी कॉल रोटेशन. एंड वन रोटेशन टेक 24 hours टू कंप्लीट, एक रोटेशन 24 hours लेता है कंप्लीट होने में, अपनी ही एक्सिस पर घूमने में, ठीक है, राउंड एंड राउंड. सो हियर अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड द सन ऑन इट एक्सिस इन 24 hours, ओके. जो अर्थ है वो एक रोटेशन कब कंप्लीट कर रहा है उसकी एक्सिस पर, इन 24 hours, 24 hours में वो एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है. व्हाइल द अर्थ कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 365 days. एंड रेवोल्यूशन, आई ऑल्सो क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन यानी सन के अराउंड यानी सन के राउंड एंड राउंड पूरा एक सर्कल कंप्लीट करना, ठीक है, उसे रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है. तो अर्थ क्या करता है, अपनी एक्सिस पर तो घूमता ही है, ठीक है, रोटेशन करता ही है, वो रेवोल्यूशन भी करता है, ठीक है, किसके अराउंड, सन के अराउंड. तो वो एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 hours लेता है और एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 days लेता है, ठीक है, कौन, अर्थ, ठीक है. एंड जब वो एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो उसकी वजह से डे एंड नाइट अकर होते हैं, ठीक है. और एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है जो कितने टाइम पीरियड में करता है, 365 days में, विच वी कॉल 1 year, ठीक है.
पूरा एक ईयर लेता है रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, ठीक है। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है तब हमारा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो वी गॉट डे एंड नाइट बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड वी गेट कंप्लीटेशन ऑफ अवर ईयर विद द हेल्प ऑफ रेवोल्यूशन, ओके। रेवोल्यूशन की वजह से हमारे जो ईयर्स है वो चेंज होते हैं और रोटेशन की वजह से डे और नाइट अकर होते हैं डियर स्टूडेंट, ओके। सो वन रोटेशन टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट एंड वन रेवोल्यूशन टेक टू 365 डेज टू कंप्लीट, दैट इज वन ईयर, ओके डियर स्टूडेंट। यू हैव टू रिमेंबर दिस। Events such as day and night and the change of season can only be seen here, okay? So, जो events होती है day और night, यानी दिन रात होने की events या फिर change of season, यानी summer, winter, monsoon, वो कहाँ पर दिखाई देती है? Only and only earth पर, ठीक है? ये सारी events earth पर देखने को मिलती है। Earth has one satellite moon, और अर्थ के पास एक सैटेलाइट है जो कौन सी है? मून, ठीक है, उसका उपग्रह, ठीक है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज मून। इट इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। नाउ मून क्या है? ये एकमात्र सैटेलाइट है अर्थ की, ठीक है। ओनली इन अवर 8 प्लैनेट ओनली द अर्थ हैव सैटेलाइट दैट इज मून, ठीक है। सिर्फ किसके पास सैटेलाइट है? अर्थ के पास, एंड दैट इज मून, ठीक है। इट इज ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। इट टेक्स अबाउट 27.3 डेज टू कंप्लीट इट्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस अराउंड द सन, ओके। नाउ इट टेक्स अबाउट, अभी अपना रोटेशन कंप्लीट करने के लिए मून कितने डेज लेता है टू कंप्लीट इट रोटेशन? वन रोटेशन मून अपना वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 27.3 डेज लेता है, ठीक है। अराउंड द सन, सन के आसपास वो अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है और वो रोटेशन कंप्लीट करने के लिए वो 27.3 डेज लेता है। इट टेक्स 27.3 डेज टू कंप्लीट वन रोटेशन, ओके डियर स्टूडेंट। देयर इज नो एटमोसफियर ऑन द मून। मून पर किसी भी तरह का एटमोसफियर नहीं है, ठीक है। There is no life on it. Moon के ऊपर कोई भी life नहीं है. As there is no water and atmosphere above the moon. क्योंकि वहाँ पर ना तो पानी है ना atmosphere है, इसीलिए moon के ऊपर कोई भी life नहीं है, ठीक है। It is a non-luminous body. ठीक है, वो कैसी body है? Non-luminous body है, ठीक है। यानी कि वो light produce नहीं कर सकती। Non-luminous body यानी ऐसी body है moon जो अपने आप लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकती, उसकी अपनी लाइट नहीं होती है, ठीक है। इट इज इल्यूमिनेटेड बाय द सन, और वो जो शाइन करती है वो किसकी रोशनी होती है? किसकी शाइन के थ्रू वो शाइन कर रहा होता है मून? इट इज इल्यूमिनेटेड बाय द सन, सन सन की जो ब्राइटनेस होती है उसके थ्रू वो शाइन कर रहा होता है, ठीक है। शाइनिंग ड्यू टू फॉलिंग ऑफ meteorites on the surface of the moon due to falling of meteorites, ठीक है। यानी सन के, मैंने आपको पहले बताया था what is meteorites, meteorites यानी piece of rock, पत्थर का टुकड़ा, ठीक है, या फिर piece of a stone, we can call piece of a stone, due to falling of meteorites on the surface of the moon, large pits have formed, जो meteorites है गिरने की वजह से, जो मून की सरफेस है उस पर बहुत सारे मीटियोरिट्स गिरने की वजह से लार्ज पिट्स हैव फॉर्म्स, यानी बहुत ज़्यादा लार्ज पिट्स बन गए हैं, यानी कि गड्ढे, लार्ज होल बोलते हैं ना पिट्स, यानी लार्ज गड्ढे हो गए मून के ऊपर। किसके ऊपर? मून के ऊपर। एक्सटिंग वॉल्केनोज आर फाउंड हियर। नाउ वॉल्केनोज, वॉल्केनोज मीन्स ज्वालामुखी, ओके डियर स्टूडेंट। वॉल्केनोज के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो जो मून पर कौन से वॉल्केनोज पाए जाते हैं? एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो ऐसा वॉल्केनो होता है जो पिछले 10,000 ईयर में कभी भी फटा नहीं हो, इरप्ट नहीं हुआ हो, ठीक है, उसका जो लावा है फटकर बाहर नहीं आया हो पिछले 10,000 ईयर्स में, और आगे भी ऐसा प्रेडिक्शन हो कि वो कभी भी इरप्ट नहीं होगा, ऐसे वोल्केनो को क्या कहते हैं? डेड वोल्केनो, ओके, यानी एक्सटिंक्ट वोल्केनो। और ये वोल्केनो कहाँ पाए जाते हैं? ऑन द मून, ओके।
So here we have completed Earth. Now next, Mars is given to you. It is beautiful red color illuminated planet. ये कैसा है? बहुत ही सुंदर red color का shining करता हुआ planet है. Atmosphere of Mars is lighter. कैसा है atmosphere Mars के ऊपर? Lighter यानी बहुत ज़्यादा heavy नहीं, lighter है. ठीक है. As per the season, more cold and heat is there on the Mars. As per the season, अगर हम season को observe करेंगे तो मार्स पर कैसा एटमोसफियर है? बहुत ही ज़्यादा ठंडा और बहुत ही ज़्यादा हीट है मार्स के ऊपर. ठीक है. इट हैज़ टू सैटेलाइट्स, और उस पर दो सैटेलाइट्स है यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू डेवलप ऑर्गेनिजम्स ऑन मार्स, और जो हमारे साइंटिस्ट है वो वहाँ पर ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने का ट्राई कर रहे हैं, लाइफ ऑन अ मार्स. ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट here you will given Jupiter. Now let us see Jupiter. Jupiter is a light yellowish white planet. Now Jupiter kaisa planet hai? Light yellowish or white planet hai. Theek hai. Jupiter has gaseous atmosphere. Jupiter have gaseous atmosphere around it. Jo Jupiter planet hai uske around gaseous atmosphere hai. Theek hai. This planet is believed to be very cold. Aisa mana jata hai ye planet bahut hi zyada cold hai. It is the largest planet of the solar system. Now, as comparison of the size, अगर हम एट planet की size compare करते हैं तो जो एट planets है उनमें से सबसे ज़्यादा largest planet Jupiter है. Okay? It has 79 satellites. और उसके पास कितनी satellite है Jupiter के ऊपर? 79 satellites है यानी electronic device. ठीक है. इन दिस ऑल्सो साइंटिस्ट हैव डिफरेंट ओपिनियंस, और इस प्लानट के बारे में जो अलग अलग साइंटिस्ट है, एज पर द डिफरेंट साइंटिस्ट दे हैव डिफरेंट ओपिनियंस, उनकी अपनी अपनी ओपिनियंस है जुपिटर के बारे में. ठीक है. दिस ह्यूज प्लानट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ बायनोकुलर्स. ये ह्यूज जो बहुत इतना बड़ा प्लानट है इसको हम बायनोकुलर्स की हेल्प की मदद से हम देख सकते हैं. ठीक है. While watching through binoculars, droplets can be seen on the surface, which looks beautiful. जब हम binoculars से इस planet को देखते हैं तो उसके ऊपर कुछ droplets यानी बूंदे नज़र आती है इस planet के surface पर, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है यानी बहुत ही ज़्यादा beautiful लगती है. Now next comes Saturn. In the solar family, it is located between Jupiter and Uranus. Now, solar family का member है Saturn भी, और in the solar family वो कौन से दो planet के बीच में locate हो रहा है? Jupiter और Uranus के बीच में Saturn locate हो रहा है. It is the second largest planet after Jupiter. Second largest planet कौन सा है? Saturn है after Jupiter. सबसे first number पर जो largest है वो Jupiter है, और second largest planet is the Saturn. ठीक है. It looks beautiful with bright ring of blue colors. और ये बहुत ज़्यादा beautiful लगता है क्योंकि उसके surrounded एक ring है, bright ring, blue color की ring है, bright rings of blue color. ठीक है. It looks different because of the ring. और ये जितने planet है, एट planet है, इनमें सबसे ज़्यादा different लगता है because of its ring. उसके पास एक ring है, उसकी वजह से वो सबसे different और unique लगता है. These rings look like a turban worn on the head. और ये ring किस तरह कैसी लगती है? ऐसी लगती है जैसे जो Saturn planet है उसने एक turban worn किया है अपने head पर, अपने सिर पर एक turban यानी जो पगड़ी आती है turban उसे कहा जाता है. ठीक है. कि सैटर्न ने अपने सिर पर एक टर्बन वॉन यानी टर्बन पहरा है, पगड़ी पहरी है. सैटर्न इज आल्सो कॉल्ड टर्बन प्लैनेट. नाउ सैटर्न को इसीलिए क्या कहा जाता है? टर्बन प्लैनेट भी कहा जाता है. सैटर्न हैज़ मोर देन 62 सैटेलाइट्स. सैटर्न के पास कितनी सैटेलाइट्स है? मोर देन 62 से भी ज़्यादा सैटेलाइट सैटर्न के पास है. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. The surface temperature of the Saturn is quite low. जो surface है Saturn की उसका जो temperature है quite low because of the distance from the sun. उसका जो temperature है वो बहुत कम है, quite low, क्योंकि वो sun से बहुत ज़्यादा distance पे है. इसलिए Saturn पर जो temperature है उसकी surface का वो low यानी कि कम है. Okay dear student, so the next is given to you Uranus. It is so far away from the earth that it could not be seen with the help of ordinary binoculars.
नाउ इट इज सो फार अवे फ्रॉम द अर्थ, ये अर्थ से, ये यूरेनस प्लैनेट जो है अर्थ से बहुत ज्यादा दूरी पर है, इसीलिए कैन नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी बाइनोक्यूलर्स, इसीलिए हम जो ऑर्डिनरी नॉर्मल जो बाइनोक्यूलर्स आते हैं हम उसके थ्रू इस प्लैनेट को नहीं देख सकते अर्थ पे खड़े होकर, ठीक है। द लाइट ऑफ द सन इज ऑल्सो लाइक लाइट मून लाइट, ठीक है, और जो जो लाइट होती है सन की वो इस प्लैनेट पर कैसे पहुंच रही है, लाइट मून लाइट होती है ना उस तरह की लाइट वहां पर पहुंच रही है, बिकॉज दिस प्लैनेट इज वेरी फार फ्रॉम द सन। एन एस्ट्रोनॉमर नेम्ड विलियम हर्शल डिस्कवर्ड द प्लैनेट इन 1781। नाउ एस्ट्रोनॉमर, एक एस्ट्रोनॉमर उसका नाम आपको दिया गया है विलियम हर्शल, उन्होंने इस प्लैनेट को डिस्कवर किया था, इस प्लैनेट की खोज की थी 1781 में, ठीक है, कब डिस्कवर की थी 1781 में। दिस प्लैनेट इज वेरी कोल्ड, और ये प्लैनेट बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, कैसा है, कोल्ड, ओके डियर स्टूडेंट। सो द नेक्स्ट कम नेपच्यून, दिस प्लैनेट इज ग्रीन इन कलर, अभी ये प्लैनेट जो है नेपच्यून, लास्ट वन, 8 नंबर का नेपच्यून, दिस प्लैनेट इज ग्रीन इन कलर, इस प्लैनेट का कलर कैसा है, ग्रीन है। इट्स एटमोसफियर कंटेन्स अ टॉक्सिक गैस कॉल्ड मीथेन, और जो ये नेपच्यून है इसका जो एटमोसफियर है उसमें एक टॉक्सिक गैस पाई जाती है, एटमोसफियर कंटेन्स अ टॉक्सिक गैस, जो नेपच्यून का एटमोसफियर है उसमें एक टॉक्सिक गैस पाई जाती है जिसको मीथेन कहते हैं, ठीक है, विच इज हैजार्डियस फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सीजनल वेरिएशन इज ऑब्जर्व ऑन दिस प्लैनेट लाइक अर्थ, और इस प्लैनेट पर सीजनल वेरिएशन देखा गया है जैसा अर्थ पे होता है, समर, विंटर, मॉनसून, ठीक है, सो इस तरह का सीजनल वेरिएशन नेपच्यून पर ऑब्जर्व किया गया है थ्रू द साइंटिस्ट, ओके डियर स्टूडेंट। हियर वी हैव कंप्लीटेड द 8 planets ऑफ अवर सोलर फैमिली, आई होप डियर स्टूडेंट यू आर क्लियर अबाउट द 8 planets। नाउ Do you get the difficulty in remembering their name according to their order? Yes or no? कितनों को याद रह जाता है? How many of you remember the name of the planets according to their orders? Okay, if you find any difficulty, then I have here an easy trick for you. So, in order wise, you have to remember the names of planets, but if you find any difficulty, then you just have to remember this sentence, my very excellent mother just served us noodles, because the each first letter of the word is denoted our planets, theek hai, look at this first word my, the first letter of my is m, that is m stand for mercury, okay, very, the first letter of very is V, V stand for Venus, and excellent first letter is E, E stand for Earth, similarly Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, okay, it is very simple trick to remember the names of planet as per their order, okay dear student. So here we have completed our 8 planets of our solar system. Now let us see meteors. What is meteors? Earlier I have given you a small definition of meteors, that is meteors means a small piece of a rock, okay dear student. So let us see in detail what is meteors, okay. Sometimes it appears that the star is falling from the sky at the night, okay. Sometimes it appears, यानी sometimes कभी कभी रात को हमें ऐसा लगता है that star is falling from the sky at the night, जब हम night में ऊपर होते हैं टेरेस पे तो हम ऐसे देखते हैं कि star is falling from the sky, क्या गिर रहा है, star गिर रहा है sky से, actually star do not fall, लेकिन actually वो star नहीं होता है क्योंकि star कभी fall नहीं होते, ठीक है, that is वो क्या चीज़ होती है, small pieces of stone rocks moving in the sky or small parts of the planets are called the meteors. A simple definition of meteors is given to you. वो एक्चुअल में एक स्टार नहीं होता है जो फॉल डाउन हो रहा है, वो क्या होता है, स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन,
पत्थर के या रॉक्स के छोटे टुकड़े होते हैं, मूविंग इन द स्काई, स्काई में मूव हो रहे होते हैं, ठीक है। और स्मॉल पार्ट ऑफ प्लैनेट्स आर कॉल्ड मीटियर्स, जो दूसरे प्लैनेट से डिटेच हो गया है और स्मॉल पार्ट ऑफ प्लैनेट होता है, ठीक है, टूटकर नीचे गिर रहा होता है, सो वो एक्चुअल में स्टार्स नहीं होते, दे आर पीस ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स और स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्लैनेट दैट वी कॉल्ड मीटियर्स, ओके। दिस मीटियर्स आर क्विकली ड्रॉन टूवर्ड अर्थ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये जो मीटियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मीटियर्स आर क्विकली ड्रॉन यानी अर्थ की तरफ आते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण का जो फोर्स होता है उसकी वजह से किसके पास आ रहे होते हैं, अर्थ के पास ड्रॉन होते हैं, ठीक है, अर्थ उन्हें अट्रैक्ट करता है, ठीक है, अपनी तरफ खींचता है ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। As soon as it enters atmosphere, it gets ignited due to frictions. Okay? Now, as soon as it enters, अभी now ये जो meteors होता है, जैसे ही वो enter होता है Earth के atmosphere में, it gets ignited due to friction. Friction होने की वजह से, friction यानी दोनों का साथ में टकराने की वजह से, पत्थर के टकराने की वजह से वो ignited यानी फ्लेम यानी उसमें से आग की लपटे निकलती है, इग्नाइट यानी वो जलता है, ठीक है। एट दिस टाइम ब्राइट लाइन इज सीन इन द स्काई, और जब वो इग्नाइट यानी आग की जो लपटे निकल रही है या वो बर्न होता है उसकी वजह से क्या होता है, एट दिस टाइम लाइन इज सीन इन द स्काई, हम देखते हैं कि स्काई में एक लाइन क्रिएट हो जाती है जिसे हम बोलते हैं कि स्टार फॉल डाउन हुआ है, यानी स्टार टूटा है, तारा टूटा है, बट एक्चुअल में वो स्टार नहीं होता है, ठीक है, वो क्या होता है, मीटियर्स होता है, पीस ऑफ स्टोन और रॉक, ठीक है, और वो अर्थ के एटमोस्फियर में आने के बाद क्या करता है, इग्नाइटेड यानी फ्रिक्शन की वजह से इग्नाइटेड यानी जल जाता है और उसकी वजह से एक लाइन क्रिएट हो जाती है स्काई में, ओके डियर स्टूडेंट, फॉर विच वी से दैट स्टार इज फॉलिंग, और इस लाइन के लिए हम कहते हैं कि स्टार फॉल हो रहा है, ठीक है। Some meteors which are not burned fully cause huge crack in the earth. और जो कुछ ऐसे meteors होते हैं जब वो earth के atmosphere में आते हैं और fully burned यानी fully जल नहीं जाते हैं तो वो क्या करते हैं, the meteors cause huge crack यानी जो earth की जो surface होती है उसमें एक बहुत बड़ा crack कर देती है, क्योंकि वो earth पे जब fall down होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा pressure के साथ तो अर्थ का जो सरफेस होती है उसमें एक क्रैक कर देती है, ठीक है। कोयना लेक ऑफ महाराष्ट्र इज बिलीव टू बी कंपोज ड्यू टू फॉलिंग ऑफ सच मीटियोराइट, ओके। नाउ ऐसा माना जाता है कि जो कोयना लेक है महाराष्ट्र का वो किसकी वजह से बना है, फॉलिंग ऑफ मीटियोराइट, ओके। मीटियोराइट के गिरने की वजह से महाराष्ट्र में एक कोयना लेक क्रिएट हुआ है, ठीक है। इन सौराष्ट्र नियर धाजला अ मीटियोराइट हैड फॉलन विच वेटेड 40 kgs, ओके। नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र में एक कोयना लेक क्रिएट हुआ किस चीज़ की वजह से, मीटियोराइट्स की गिरने की वजह से, और वैसे ही सौराष्ट्र में धाजला वहाँ पर एक मीटियोराइट हेड फॉलन, एक मीटियोराइट गिरा जिसका वेट कितना था डियर स्टूडेंट, 40 kgs उसका वेट था, इतना ज़्यादा वेट वाला मीटियोराइट ऊपर से स्काई में से फॉल डाउन हुआ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ओके। तो इतना ज़्यादा वेट वाला और इतने प्रेशर के साथ फॉल डाउन होता है रॉक कोई ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो इट्स ऑब्वियसली कि वहाँ पर कुछ क्रैक हो जाएगा या फिर पीट हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा, ठीक है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड मीटियर्स, नाउ आई होप डियर स्टूडेंट यू आर क्लियर अबाउट द मीटियर्स, व्हाट इज मीटियर्स, ओके। नाउ लेट अस सी कॉन्स्टेलेशंस, ओके, व्हाट इज कॉन्स्टेलेशंस। इन वाइडर सेंस एनी सेट ऑफ स्टार और इवन अ सिंगल स्टार इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। नाउ If I want to say, then I will give a simple definition of constellation to you. A group of a star which form a pattern that is called constellation. Okay? अगर मुझे आपको simple definition बतानी है constellation की, then I will say group of a star. Sky में group of a star create हो जाता है which form a particular pattern और उसका कुछ नाम दे दिया जाता है, that is called
constellations. Okay, so here let us see in detail what is constellation. In wider sense, any set of a star. अगर wider sense में हम देखें तो कोई भी set है star का और even a single star या फिर कोई एक single star हो called constellation. उसे हम constellations कह सकते हैं. ठीक है. Some of the constellations have specific shape because of the mass of the star. और कुछ constellations ऐसे होते हैं जिसका क्या होता है specific shape होता है, अलग सा उसका शेप होता है बिकॉज ऑफ द मास ऑफ द स्टार्स, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्टार्स होते हैं. ठीक है. मास ऑफ द स्टार्स. इट समटाइम्स लुक लाइक अ गूस. कभी कभी वो एक गूस की तरह भी दिखता है या फिर समटाइम्स इट लुक लाइक अ ईगल. दोनों ही बर्ड के नाम है. गूस एक ऐसा बर्ड है जो वाइट कलर का लार्ज बर्ड होता है. लुक लाइक अ डक, डक की तरह दिखता है. ठीक है. समटाइम्स ये जो कॉन्स्टिलेशंस होते हैं मास स्टार होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ग्रुप में स्टार्स होते हैं, तो वो एक शेप क्रिएट करते हैं. और कभी कभी उनका जो शेप होता है कैसा लगता है, गूस बर्ड आता है उसकी तरह लगता है या फिर ईगल की तरह लगता है. ठीक है. देर आर टोटल 27 कॉन्स्टिलेशंस. अभी ऐसे 27 कॉन्स्टिलेशंस है. ठीक है. जिनका नाम है लाइक अश्विनी, रेवती, विशाखा, पुनर्वशु, ओरायन, रोहिणी, पुष्या, आर्य, स्वाति एटसेट्रा. ठीक है. ऐसे कहीं अलग अलग नेम वाले कॉन्स्टिलेशन हैं. ठीक है. हमारे सोलर सिस्टम में. ठीक है. देर आर टोटल 27 कॉन्स्टिलेशन हैं, जिनमें से आपको कुछ कॉन्स्टिलेशंस के नाम दिए हैं, जैसे कि अश्विनी, रेवती, विशाखा, पुनर्वशु, ओरायन, रोहिणी, पुष्या, आर्य, स्वाति एटसेट्रा. टू और थ्री कॉन्स्टिलेशंस सराउंडेड द मून फॉर विच वी हैव टू लुक एट स्काई कंटिन्यूसली. ठीक है. टू और थ्री कॉन्स्टिलेशन, दो या तीन कॉन्स्टिलेशन ऑलवेज सराउंडेड द मून, मतलब मून के आसपास होते हैं. फॉर विच वी हैव टू लुक एट द स्काई, और उसे देखने के लिए हमें कंटिन्यूसली स्काई में देखना पड़ता है. ठीक है. वी हैव टू लुक कंटिन्यूसली टू द स्काई. Remembering the names of the constellations is not easy. अभी ये constellations के नामों को याद रखना बहुत easy नहीं है. ठीक है. It is not easy. But they can be easily memorized by repeated viewing and understanding. Okay, it is not easy to remember the names of the constellations, but we can easily memorize them by repeated viewing. Continuous उन्हें देखते रहने से और उन्हें समझने से हम उनके names remember कर सकते हैं, याद कर सकते हैं. ठीक है. डियर स्टूडेंट, सम नेम्स आर रिमेम्बर्ड एज दे आर एसोसिएटेड विद द ऑस्पिशियस वर्क, लाइक एट द टाइम ऑफ पुष्या कॉन्स्टिलेशन गोल्ड एंड सिल्वर इज परचेस्ड. ओके. सम नेम्स आर रिमेम्बर्ड एज दे आर, ऐसे कुछ नेम्स हम ऐसे ही रिमेम्बर कर लेते हैं बिकॉज कुछ जो कॉन्स्टिलेशंस के नेम होते हैं वो ऑस्पिशियस वर्क के साथ जुड़े हुए होते हैं. जैसे कि पुष्या कॉन्स्टिलेशन के टाइम पर हम लोग गोल्ड एंड सिल्वर परचेस करते हैं. ओके डियर स्टूडेंट, दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट अवर सोलर फैमिली और अवर सोलर सिस्टम. ये इन्फॉर्मेशन आपको हमारी सोलर फैमिली और सोलर सिस्टम के बारे में दी गई थी. ठीक है. This much information is given to you to understand our solar system. You still have to learn a lot about your home, that is Earth. So let's begin. अभी आपको और भी जानना है Earth के बारे में, which is home to you and me, but not now. So we will see the rest of the chapter in my part 2 video. I hope, dear student, my explanation is enough for your studies. Thank you. Stay home. Stay safe.